YouTube चैनल, जैसा कि आप पॉलिनोमियल पढ़ रहे हैं, बहुपद के बारे में आप अध्ययन कर रहे हैं, इससे पहले लास्ट वीडियो जो बनी थी उसमें आपको बहुपद के बारे में बताया गया था कि किस तरह से बहुपद को सॉल्व करते हैं या बहुपद का जो घात होता है वो किस तरह से सॉल्व करते हैं। बहुपद की त्रिघात समीकरण को आपने देखा था, द्विघात समीकरण को देखा था, उनके मानक समीकरण को आपने सॉल्व किया था। साथ ही साथ आपने ये भी देखा कि बहुपद का द्विघात समीकरण जो है वो किस तरह से सॉल्व किया जाता है। आज भी हम कुछ दो एग्जांपल्स के द्वारा ये देखेंगे कि बहुपद का द्विघात समीकरण किस तरह से सॉल्व किया जाता है। इससे पहले जो दो वीडियो आपकी बन चुकी हैं उनकी लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में होगी, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में उनकी लिंक होगी, तो आप वहाँ पर जाकर के उस वीडियो को देख सकते हैं, जिससे आपको पूरे से पूरा पूरा पॉलीनोमियल समझ में आ जाएगा। तो चलिए इस क्वेश्चन के द्वारा हम पॉलीनोमियल को सॉल्व करते हैं। एक समीकरण आपके सामने लिखा हुआ है x² - 2x - 8। ये कैसा समीकरण है? एक द्विघात समीकरण है। क्यों? क्योंकि इसमें जो चरपद की जो मैक्सिमम घात है, जो सबसे बड़ी घात है, वो 2 की घात है। इसलिए क्या है, एक द्विघात समीकरण है। इसको सॉल्व करते मैंने आपको बताया था कि शून्यांक और गुणांक क्या होते हैं। अगर आपको कुछ कंफ्यूजन होगी तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दी होगी, उससे आप देख सकते हैं, आपको शून्यांक और गुणांक के बारे में बातें समझ में आ जाएंगी। यहाँ हम देखते हैं द्विघात समीकरण है। द्विघात समीकरण को सॉल्व करने के लिए 2-3 विधियाँ होती हैं। एक गुणनखंड विधि होती है, श्रीधराचार विधि होती है। तो आसान जो पड़ता है उसी का हम पहले कोशिश करते हैं, गुणनखंड विधि से सॉल्व करते हैं। अगर नहीं सॉल्व होता है तो फिर श्रीधराचार विधि को हम प्रयोग करेंगे। तो चलिए गुणनखंड विधि से हम सॉल्व कर रहे हैं, देखते हैं क्वेश्चन सॉल्व होता है या नहीं। तो आपको पता होगा गुणनखंड किस तरह से सॉल्व करते हैं। इसका सेम प्रोसेस होता है कि यहाँ पर जो संख्या होती है ए पे और सी पे, इनका हम आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं, और बीच की जो संख्या होती है उसका हम आपस में एडिशन या सब्ट्रैक्शन इस तरह से जोड़ते या घटाते हैं कि उनको जोड़ या घटाना यही संख्या है, लेकिन उनका मल्टीप्लाई करने पे ये संख्या हमें प्राप्त हो जाए। तो ठीक है, हम करके देखते हैं। 8 है, अब 2 को इस तरह से जोड़िए या घटाइए कि उनका मल्टीप्लाई करने पे 8 आ जाए और जोड़ने पे या फिर घटाने पर 2 आ जाए। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, वो 4 और 2 है। x² - 4 में से 2 गया, मींस 4 में से 2 गया, 2 आया, ठीक, 4 में से 2 गया, 2 आया, और 4 × 8। चलिए मल्टीप्लाई कर लेते हैं, x² - 4x। अब देखिए ये माइनस माइनस प्लस, 2x - 8। आई थिंक आपको यहां तक समझ में आया होगा। फिर हम क्या करते हैं, यहां से हम कुछ इस तरह से कॉमन लेते हैं कि सेम नंबर दोनों में, दोनों ब्रैकेट्स में आ जाए। तो यहां पे हम x कॉमन लेंगे, तो देखिए यह x² का x कॉमन ले लिए, x बचा, ठीक है, यहां से x कॉमन ले लिए, 4 बचा। यहां से क्या करेंगे, 2 कॉमन ले लेंगे, x - 4, ठीक है। अब देखिए इस ब्रैकेट में भी x - 4 है और इस ब्रैकेट में भी x - 4 है, अतः हम x - 4 को अगेन कॉमन ले लेंगे और जो बची हुई संख्या है उनको एक ब्रैकेट में, एक दूसरे ब्रैकेट में लिख लेंगे। अतः x - 4 और x + 2, हमें ये क्वेश्चन मिल गया। बचपन से आप लोग इन्हें सॉल्व करते हुए आएंगे, ये क्वेश्चन इस तरह के क्वेश्चन आपको क्लास 6, 7, 8 में ही मिल गए होंगे। इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन को आपने सॉल्व किया होगा। मैंने कल लास्ट वीडियो में ये बताया था कि जो ये सॉल्व करके आप x की वैल्यू निकालते हैं, यही x का शून्यांक होता है, सॉरी यही इस बहुपद का शून्यांक होता है। तो x की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। पहले x - 4 = 0, मींस x = ये -4 इक्वल टू उधर जाएगा, +4 हो जाएगा, ठीक है। और ठीक दूसरा भी x + 2 = 0, और 2 को जब हम इक्वल के उधर ले जाएंगे, बराबर को उधर ले जाएंगे, तो ये +2 क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। तो अब देखिए आपको बहुपद के शून्यांक प्राप्त हो गए हैं। बहुपद के शून्यांक क्या क्या है, 4 और -2 है। इस बहुपद के शून्यांक सिर्फ 2 ही क्यों निकले, ठीक है, जिनको भी आंसर पता होगा वो कमेंट बॉक्स में आंसर बताएंगे कि इस शून्यांक का ये जो बहुपद था उसके 2 ही शून्यांक क्यों निकले, 3, 4, 5 या 1 शून्यांक क्यों नहीं निकला। आंसर पता होगा तो जरूर से डिस्क्रिप्शन में लिंक है उसमें देख लीजिएगा, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि इसके 2 ही शून्यांक क्यों हुए। चलिए जैसा मैंने कल एक फार्मूला बताया था कि शून्यांकों का योग कैसे निकलता है, शून्यांकों का गुणनफल, उसी फार्मूले का यूज करके हम देखते हैं कि क्वेश्चन किस तरह से सॉल्व किया जाएगा, ठीक है। अब शून्यांकों का योग को हमें सॉल्व करना है, तो शून्यांकों के योग का क्या फॉर्मूला होता है, शून्यांकों के योग का फॉर्मूला आपको पता होगा, इनको नहीं पता होगा पुराना लास्ट वीडियो का लिंक देख सकते हैं, उसमें आपको मिल जाएगा शून्यांकों का योग। शून्यांकों का योग क्या होता है, शून्यांकों का योग होता है
माइनस बी बाई ए। बी मतलब क्या, जैसा मैंने आपको बताया था कि मानक समीकरण होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, तो हमें ax स्क्वायर bx प्लस c, b यहां पर क्या है, b यहां पर माइनस टू है। इसका हम जब मानक समीकरण से कंपैरिजन करेंगे, तुलना करेंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा, चलिए यहां पर आप देख लीजिए कि मानक समीकरण से अगर तुलना करते हैं ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर जीरो, ठीक है। तो जब हम मानक समीकरण से तुलना करते हैं तो a का मान 1 प्राप्त होगा, b का मान माइनस टू और c का मान माइनस है, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा, तो शून्यांकों का योग का फॉर्मूला होता है माइनस बी बाई ए, ठीक है। अब देखिए b क्या है, यहाँ पर b जो है वो ऑलरेडी माइनस टू है, तो b का मान रख देते हैं माइनस टू, और a का मान कितना है, a का मान कितना है, देखिए यहाँ पे एक माइनस ऑलरेडी लगा हुआ है और b का मान भी माइनस है, और a का मान कितना है, a का मान वन है, ठीक। अब देखिए हमारे शून्यांक क्या मिले हैं, 4 और माइनस टू, इनको ऐड करते हैं, 4 प्लस माइनस टू, तो 4 में से 2 सब्ट्रैक्ट होगा, और यहाँ माइनस माइनस प्लस 2, नीचे वन का कोई मतलब नहीं होता है, 4 में से 2 गया 2। आप देख रहे हैं कि फिर जिस तरह से कल एक क्वेश्चन सॉल्व किए थे, वहां भी शून्यांकों का योग का जो फॉर्मूला होता है उसे जब हमने सॉल्व किया था दोनों वैल्यू सेम आ गई थी। यहाँ पर भी मैंने क्वेश्चन को सॉल्व किया, यहाँ पर भी शून्यांकों के योग में दोनों वैल्यू सेम आ गई, तो शून्यांकों का योग का जो फॉर्मूला है वो सही प्रूफ होता है। इस तरह के क्वेश्चन आपको आपकी एक्सरसाइज बुक्स में मिल जाएंगे। इसी तरह शून्यांकों का गुणनफल होता है, उनका भी देख लेते हैं। ठीक है।